हमारे देश के जनता, सूरीनाम के प्यारे दोस्तों, आप हर एक को ऑनलाइन सनराइज एफएम जैसे भी आप प्रोग्राम को सुनते हैं, आप हर एक को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, नमस्कार, सभी को राम राम। और इंशाअल्लाह यही उम्मीद है कि आप लोग सबको जरूर बढ़िया से होइयो। आज के वास्ते प्रोग्राम में हम कोशिश कर कि आप लोगों के नाम पर दैनिक समाचार को पुकारने की कोशिश करेंगे। पहला खबर आज के वास्ते हैं फेल्थ वर्कर्स एबीएस प्रोजेक्ट क्रिमिनलाइजेशन फिया सोशल मीडिया कम करतन, मतलब मेड द वर्कर्स एगो बदरेव का कंसल्टिंग पार्टनर्स सीपी, छोटे लफ्जों में जो उनके फेल्थ के काम चाहत रहा करे के एबीएस एनर्जी बदरेव सूरी नामक हरतिन इलोगन के सबन चोर घर देखिल हैं और बदनाम कर दिल हैं। एबीएस पब्लिशेयर करे रहा फेसबुक पर नाम और फोटो भी 25 गो फेल्थ वर्कर्स का जो उनके एबीएस के अपद्राख में मीटिंग चाहत रहा करे के इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क पर क्वात वेलखन, मतलब मनाई लोगन जो उनके कुछ करे धरे के ना है ई कम करतवन के फोटोवन को पेयर करके और सोशल मीडिया पे रख दी से और बोले ई लोगन क्रिमिनेलन बा। तो देश के जनता बड़ा मोइलक रहे सब चीज और एबीएस जब गायल हैगा पब्लिकासी फोटोज के करे और कम करतन के नाम तस्वीर धरे के तो वहाँ पर इतने मर्तबा खबरों को रखा गया, फिर भी ब्योरखर्स जनता लोगन ई मनयन के काम करे से वैखर करीसेगा। अमदत सोशल मीडिया पर इतने सारे बरिख्त हैं जो उन पर मनई लोगन एक दूसरे को सावधान करते हैं कि ई लोगन से बचियो, क्योंकि ई मनयन जोन कमवा करे है ई सब क्रिमिनेलन बाटे जोन सांतो बोमा से भागिन है। तो देश के जनता, किसी का नाम खराब करना ये कोई छोटी बात तो नहीं होता है ना, और बड़ा मोइलक बा भैया, लोगन के जिंदगी पर ये बहुत ही असर करता है ना। तो ई चीजवा बहुत खराब चीज हैगा, कोई के बदनाम करे के ना बेकसूर मनाई के तू जाइए बदनाम करे उ ना मोय है और ऐसे ना चाहेगा करे के। ई सब काम उ लोग करे हैं जो उनके कोई के कुछ करे धरे के ना रहे हैं, उ दूसर के बेवजह बेइज्जत करते चलते हैं और ई सब चीज ई कानूनन तौर पर ई सब चीज मीना ही है और एकर बहुत बड़का सदा है ना। तो हमारे देश के जनता, ई सब बतियन हम आप लोगन के नाम पर रख देली बाटी। सूरीनाम के जनता, हम आप लोगन से खबरों में ये बात भी बता दें, प्रेसिडेंट बाउतर्स दोरसिक्त अफवेसक इन पोकी ग्रोंग। तो सूरीनाम देश का प्रेसिडेंट बाउतर्स वो पोकी ग्रोंग ना जा पाए रहा ना। प्रेसिडेंट देसी बाउतर्स पोकी ग्रोंग तलक ना जा सका, अमदाद इनका तंदुरुस्ती जो है वो उतना ठीक ना होने के सबब से प्रेसिडेंट पोकी ग्रोंग नहीं जा पाया। सूरीनाम के जनता, यहाँ पर लिखल है, ये बात को भी हम आप लोगन के साथ बांटना ज़रूरी समझते हैं, बीमारी के सबब से इनर्शी सेंट्रल जो है पोकी ग्रोंग का जिसको अंजाम दिया गया है तो उसमें प्रेसिडेंट बाउतर्स हिस्सा ना ले पाए। रात आत्फिशर रामोन अब्राहम्स बोले कि प्रेसिडेंट अपने एक नमोई फीरी का रहेगा मार उपायगाम देश है कि वादे जो किए गए उन पर गौर किया जा रहा है। बोले ये एक बहुत ही अच्छा बात है कि पोकी ग्रोंग और आचोनी को अब स्ट्रोम हो गया दे चार साल हार्थ खबरक्त वर्द सॉरी और मेर दौर पर इन बोफ सूरी नाम द फोर्स इन फन कॉन्स्टांट इनर्शी। तो बहुत अच्छी बात ये है ना। अब्राहम्स रामोन बोले हैगा कि एबीएस और दिन्स इलेक्ट्रिफिकेशन मिनिस्ट्री फन नतुलक हुल ब्रोन का ई लोगन काम करेगा और प्रोजेक्टन को रियली शेयर करेके। प्रेसिडेंट के फतेह वोर्दखर रामोन अब्राहम्स बोली सेगा कि 10 डिस्ट्रिक्ट ई देश को हैगा और तमाम जगहों पर बोले हम लोग कोशिश करबे 2400 घंटा न स्त्रोमुआ देवे के ई वादा हम लोग करीला। बोले वादा लोग करल गायल है जो प्रेसिडेंट करे रहा और बोले सोफिल मोहलक हम लोगों पर गौर करबे जो ने हम लोगन त्वेंतख में फिर से आबे। तो जनता बोले हम लोगन काम करीला
और जनता हम लोगन के मौका देगा अपन काम को दोरो करे के। तो सूरीनाम के हमारे दोस्तों, जनता ई मनयन के मौका देगा कि ना, ये हम तो नहीं बता सकते हैं, मार और ई लोगन अपन काम को करते हैं या नहीं, ये तो अच्छा होगा कि जनता से पूछ लिया जाए। सूरीनाम के दोस्तों, यहाँ पर बतावल गयल है, वाटर बरख फ्रेस्ट फॉर एग फैल खैत बेनंद बैप न। तो सूरीनाम के हमारे देश के जनता, दाखबलात सूरीनाम से हम पढ़ते हैं और अब आप लोगन को दाखबलात सूरीनाम से बता रहे हैं। सेल्सियस वाटर बरख एक्स फोर सितर बैप का परतय फॉर ब्रदरशिप एंड इन हैत इन द पोलिटिक बतावे है कि परतय न, बोले अब हम परतय लेत के हैसियत से ई परतैया में ना काम करबे, हम अपन एख फैल खैत को न वहाँ पर बोले खरंदेर अब ना देखिला दूसरे लेदन के साथ, बोले उसमें मनाई है जो तोह के ना लुस्त करते हैं। बोले अवकांस में लोग बोलते हैं कि वीसी मंग्स बोले ओझाई करने वालन वहाँ पर बहुत ढेर चले हैं। वातर बैरखी बतिया बोली सेगा दाखबलात सूरीनाम से। तो सूरीनाम के जनता, वातर बैरख को तो आप लोग जानते हैं भैया ना, वातर बैरख बैप का फोर सितर रहा और वातर बैरख यही वातर बैरख है जो दूसर कॉम्बिनासी में प्रेसिडेंट देसी बाउतर सको अंड बन बोलता था एन दे पे को फर किसिंग्स कंपाइन में गाली देता था और आज हाथ में हाथ मिलाए चलता है। तो पॉलिटिक बहुत गंदा होता है दोस्तों, पॉलिटिक एक दूसरे को गाली दे करके एक दूसरे के पता नहीं है ना कौन सी कैसन बर्ताव करते हैं ये लोग पॉलिटिक में, लेकिन पॉलिटिक में अगर आदमी चला जाता है तो वो सिर्फ गिरता ही चला जाता है, कई बार उनको गिरना पड़ता है पैसों के लिए, लोग पता नहीं है क्या क्या करते रहते हैं यार ना। वातर बैरख बोले अपो के डर लगे है बैप में, उतना दिन से बैप में रहते कि डर ना लगल, असबीना बैप स्थापनित आयुधक को वाली थी रोनी असबीना सनीचर को इनको फोर सितर की है पदवी से नवाजा गया है। रोनी असबीना अब नवा फोर सितर हो गए है, सभापति हो गए है बैप पॉलिटिकल पार्टी के, और ये बोली सेगा कि ये बस्तूर फरकी सिंह हंद फिर तक स्तम से जीत गए हैगा फंद हंद फाइफ नहीं तक स्तम खबर फन सेल्सियस वाटर बैरख है हेव द बस्तूर फरकी सिंह फंद पड़ताई मैथ हंद फिर तक फंद हंद फाइफ नहीं तक स्तम खबर न फन सेल्सियस वाटर बैरख। तो सूरीनाम के जनता, वाटर बैरख वा अब फोर सितर ना हैगा। तो देश के जनता, रोनी असबीना बोले हैं कि बैप कोवाली थीम से ना निकलेगा। माफी चाहते हैं, थोड़ा से खांसी है, जाने का नाम नहीं लेता। फैफ रोफर्स ओफर मिश्रन त्वेन ने खंतखियार खफराओ, तो ई मनयन को कीड़े पड़े ना, इन कमीनों को कीड़े पड़े, पांच गो क्रिमिनेल 92 बरस के एक बुजुर्ग के ऊपर हमला कर दिन है। बहुत अफसोस की बात है, अखबार को पता चलल है और सभन एक मेद वर्कर से बातचीत करी से सलाख्त ऑफर के सिपाही के अंदर सुख से पता चलल है कि त्वेयन नई खन तखियार खफराओ मफराओ ई एस बोले कि बरसों से बोले कि एक एड्रेस पे रहे हैगा और रात को बोले दुई गो 23 वर्कर्स ओके ख्याल करे हैं। सुख के सवेरे हल फिर सलाख्त ऑफर्स इन लोगों को पांच जने मेल करके हमला करी लेगा और दादर्स ना जैसे सब बतावे हैगा, तो बोले कि एगो कम करतवा जैसे बोले तो सबन लादर खबराई करके मकान में घुस आयल हैगा। दोस्तों दिफा ऐसर और खिड़की का जो कुकरू की खिड़की उसको काट दे इन्हेगा और घर में घुस गए, एगो कम करतुअन के पड़ल मार खाई के त्वेयन नई खंतखियार के सलाख्त ऑफर्स के गटेम सोना केती रहा, उनको सबन नोच ले सेगा और मफरवा के न हाँ ई टेप के काम होगा भैया, ई मफराव के सलाब कामर मसे रोफर्स 15,000 SRD और 3,000 US डॉलर पाई गेगा, पैसा के साथ गहना
मोबाइल टेलीफोन सब चल के सेंट्रम के सिपाही ई आन खिफ्त को लिया है। तो सूरीनाम के जनता, ये एक टिप की बात है और हम नहीं कहते कि बात ऐसा है, मार हो सके है कि जोन मनैया नी मफरवा के ख्याल करे हैं वही लोग टिप दे सके है। आप लोगन वही खरतीन हम रोज समझाइला, बाकी आप लोग तो प्रोफेसर बाटो प्रोफेसर मतलब सगरो अपन बात न बतावत चलियो, तुम्हार पास कितना पैसा है, कहाँ पे धरो है, ये वो भैया ना, ई सब बतिया ना है दुनिया भर में बाँचत चले के, वरना कोई जब आएगा और देख ले तब मुंह में लाठी घोरेस देगा। ऐसा तो सदियों से होता आया है और अभी तलक हो रहा है। तो ई बुजुर्ग की बात तनी हमें फरदाख लगे है, हम सोचिला ई बुजुर्ग को लूटा गया, ई शायद ई जोन कम करतो न के ख्याल करे है मफरवा के, वही लोगन तेप दे सके है और पैसा गया। सूरीनाम के जनता रो फरवन थोड़ो जानेगा कि वो घरवा में उतना ढेर पैसा धरल है और आप लोगन भी खुद प्रॉब्लम खोजो है, घर में उतना पैसा काहे धरो है, अबे बांग थोड़ो सब दुख कब भइल है। सूरीनाम के जनता एक स्मेक तदर ओफर्स द्रियन दर तक यार एस बी आई को फ्राइडा को दिन दोपहरे एक्सत्रात बरूफिंग के शिकार वो भइल है और दख ब्लाद सूरीनाम बातचीत करी से सलाख तोफर से बोले हम एगो पिकअप से एगो बदरैफ गईली कुछ पैसा स्टोर्त करे के और फंगबाल स्त्रात से हम चला के गईली बदरैफवा में। बोले बॉक्स लगे एगो ब्रॉम फिक्सर हमारो तो ना वो देखीस कि हम अकेले बाटी बस वो तो हुआ ना, बोले हम रोक देली बैद बॉक्स रही तुम ब्रॉम फिक्सर तेखन हार फूर तो खौफ है मफरुआ जो ना अकेले रहा ना जाने का करे भैया ढक्का लगल वो रुक गए। अब दोनों में झगड़ा होने लगा, ब्रॉम फिक्सर और आउट ऑफ बस्ती उधर में वो द वेस्लिंग होने शुरू हो गया। ब्रॉम फिक्सर बोले हम तो के दाग देबे और बोले अयुद फ्रेश बोले कि हम अपने एक मात्र अपन ओतों में तरख तरक करे चौंक अली हम बोले पाछे से दो गो खवापन द किरमिन इलन देखिए हमारे ओतों में बैठल है दतवे हिलदन हार ऑन द स्कॉट इन फॉर द रोफर्स हिलदन फैस शुरुआपन देखा हार होफ आओ देखो ना कितना बड़का प्रॉब्लम हो गया है और डर तक दायुसन बोले बैकांस इनका तास में रहा रो फर लेकर के चल गए हैं। तो सूरीनाम के जनता ये सब चीज भी हो जाएगा, हम आप लोगन की अब कैसे समझाई है, इतना बड़का बड़का पैसा लेकर के आप लोगन अकेले जाओ है, रास्ता पे का हो जाए आप लोगन ना जानो है, आप लोगन इस सब बात से सावधान रहे भाई। दूत यालस फोर सेख तक हमारे देश के जनता यहाँ पर लिखल है औ तो बस तुर दर बरो फम फॉल्स फोर्स खेल्स बदराख क्लान बस खुलदख त्रफ स्थित फन दिफ्ताल। हमारे देश के जनता इतने सारे मुसीबतें देश में भाई हम बताइला, इतने सारे लूट मार इतने सारे चोरी चपाटी, लेकिन सरकार भैया क्रिमिनलिटेट में कुछ ना करे है यार, ऐ बेनालांत में खाली स्त्रोम लगे है। अरे देश के जनता बेनालांत में स्त्रोम लगते हैं भैया, लगाओ भाई अंधियार होगा बहुत वहाँ पे, वहाँ पर भी इंसान रहते हैं लेकिन इतना क्रिमिनलिटेट है आप लोगन कहे ना कुछ करो है ना। सूरीनाम के जनता बहुत मूलक है हमारे देश के जनता, बहुत ज़्यादा भाई हम बताइला बहुत प्रॉब्लम है देश के अंदर में यार, और पता ना है चीजवन कैसे अपलॉस होएगा, इतना क्रिमिनलिटी तबे कई केस हम पढ़ ली बाटी, बहुत मूलक है हमारे भाइयों और ये सब चीज़ बहुत गड़बड़ है। सूरीनाम के जनता दखबलात सूरीनाम बयान करे है न मंगोलान वर्थ फरहार्थ, तो ये तो बड़ी बढ़िया बात है भैया ना, और का भइल है एगो फ्राई दखवा के होर सेटिंग रहा मतलब तनी बैठका हुआ, हाँ सुनवाई बातचीत भइल है रसोर्ट ये भी खास तौर पर रेनफील का, और का लिखल है हम बताइल आप लोगों को फ्राई दख के एगो होर सेटिंग रहा रसोर्ट रेनफील का, उसमें आन कौन दख किया गया कि मंगोलान आसफाल तेर किया जाएगा ना, बोले द फरहार्डिंग फंद मंगोलान आन स्थान रहेगा और ई फरबेंडिंग स्वेखे तो से द अनिस्त्रात द कल्चर टाउन एंड द शाल्स बुरख, बोले बहुत बरुख्त है और रास्ता बड़ी खराब हैगा, दसन साल से बोले जनता के लिए ये एक भयानक सपना है, नाखमेरी हो गया है बहुत मिनिस्टर लोगन ना, ये प्रॉब्लमों अपने प्लेटी अपने बोर्थ में पायल है, मार बोले कि सभन वैसे कुछ नहीं करीन है। तो देश के जनता
यहाँ पर हम आप लोगों से बताइला, बहुत अच्छा लगल है इस सब खबर को पढ़ करके भैया। और मंगोलान के जनता को हम लोग आम तौर पर बहुत मुबारकबाद पेश करीला, तमाम खुशी भैया आप लोगन को हम जानीला, बहुत खुशी होता होगा क्योंकि बहुत दिन से, हाँ बहुत दिन से भैया सरकार भी कितना वादा करता रहा, कई सरकार लोगन वादे करीन है लेकिन ये निभाते नहीं थे। और ऐसे ऐसे बात हैगा सूरीनाम के जनता, ये रास्ता असफलतेर होएगा, हमें बहुत खुशी होता है। और अखबार में भैया एक मोमेंट अपना मत तस्वीर है रिसोर्स रात जो है रेनफील का, हाँ होर सेटिंग का एन मोमेंट अपना टेजेंस द होर सेटिंग फॉर द रिसोर्ट रात रेनफील पॉलिटिका अंशलिक अली हुसैन डेल कास्टिलियो ई रिसोर्टवम रहेगा। और होर सेटिंग पर जनता लोगन सवाल करी से, हाँ भैया और मुसीबतों को सामने रखी से, दो लोगों की तस्वीर है भैया, हाँ पंचू जी भी है उदय, हाँ पंचू जी ई भैया भी ई तस्वीर में आया है और जरूर से मुस्कुरा रहा है, जरूर मुस्कुराने की बात है भैया क्योंकि भैया पंचू जो है बहुत लोगों को भी मदद करी से दोस्तों, और सामाजिक काम में भी बहुत बहुत अपने हाथ को बटाए हुए हैं। तो देश के जनता हम लोगन के देश तरक्की करे है, रास्ता असफलतेर हुए है, मंगोलान में भी हमार बहुत बहुत रिश्तेदार लोग रहते हैं, जान पहचान रहते हैं, भैया रामदत्त भी वहाँ रहते हैं ना, तो रास्ता बड़ी ख़राब रहा और ये सब अब जब बनेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। सूरीनाम के जनता, सुदेश चंद जयराम का कहना हुआ, इकोनॉमी से सिचुएशन इस नॉक स्टेज सौरख वैकंट एंड आउट से क्लोज है। तो ये बात भैया ये तो सब कोई जाने भैया जयराम, लेकिन लोग करते हैं जैसे सब कुछ कुक एंड आई है। तो प्यारे जनता भैया सुदेश चंद जयराम ये अखबार के बात बयान करे है, लिखी से वो मनाई और बोले है कि आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमी से सिचुएशन जो बा, बोले बड़ी चिंता में डाले है और बोले जैसे कुछ दिखाईते ना है आगे, जरूर नहीं दिखाएगा भैया, पूरा से तो बर्बाद हुआ है और पता नहीं है आबाद कब होगा। लेकिन हमारे भाइयों ये सब बातें अखबार में है और हम आपके लिए रख दिए हैं ना, यहाँ पर लिखल फुरतख रैत स्टिल स्तंद औतो आन, पता ना सूरीनाम कैसे मने लोगो तो चलावे रे भाईवा, हाँ बहुत खराब तरीका से वो तो चलावे हैं और जोर से बाजा बजाते हैं भैया, न मस्जिद दिखा है इन लोग के, न मंदिर दिखता है, न स्कूल दिखता है भैया, कुछ ना दिखता है, न फुतखांगर दिखते हैं, बाजा जोर से बजा के पगला घत रास्ता पुड़ाते हैं, कभी पाल काट देते हैं, कभी कोई स्कूटिंग में भिड़ा देते हैं, कभी ना छोना लेकर के बेस में भिड़ा देते हैं, और पता नहीं है ना पूछियो भैया कहाँ कहाँ भिड़ाते हैं, हमें तो शर्म सी महसूस होता है बोलने के लिए। लेकिन सब कोई तो बड़का है, भिड़ाते रहते हैं भैया, अभी कलियाँ वाह वैक्सरात और क्लिप से नस्त्रात के क्राइसिंग पर भाए फोर रंग ना फलीन करे है और भिड़ा दी छ भाए, वो तो बगले खोइए, भला ऐसे हो तो चलावल जाहे मान, है ये कौन तरीका है वो तो चलावे के मान, सूरीनाम में भैया है गत के रास्ता ना है और सेंट्रम में ही लोगन पगला घत रेस करे है। अरे हमारे देश के जनता आप लोगन तनी करो इस पे कुछ और क्रिमिनलिटी पर भी गौर करियो, देश के जनता हमार जितना है ऑनलाइन सोनराइज एफएम जैसे भी आप दैनिक समाचार को सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, इस बात के लिए भी आपको तहदिल से शुक्रगुजार हूँ, अच्छा से रहियो। आज के वास्ते प्रोग्राम को खात्मा पर ले आया हूँ, यही तलक खबरें थे आपके लिए, आज के वास्ते आप सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सभी को राम राम और जिंदगी रहेगा। तो दैनिक समाचार बिहान फिर हम पेश करबे, अच्छे से रहियो, फिर मुलाकात होगा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।